हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। आई एम रंजन कुमार, रिसर्च स्कॉलर इन आईआईटी भुवनेश्वर। सो हम एक कंट्रोल सिस्टम जेबी गुप्ता 8 एडिशन के फ्रीज स्टार्ट किए थे, तो ये उसी फ्रीज का तीसरा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर इनसेंसिटिव टू बोथ फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ पैरामीटर। तो पहले हम लोग सेंसिटिविटी जानते हैं होती क्या है। तो देखिए सेंसिटिविटी होती क्या है कि सेंसिटिविटी होती है कि चेंज इन अल्फा बाई चेंज इन बीटा, इसको परसेंटेज चेंज इन अल्फा को लिख सकते हैं, डो अल्फा बाई अल्फा एंड डेल बीटा बाई बीटा। तो क्या हो अल्फा और बीटा यहाँ क्या है, तो अल्फा क्या है, ये वेरिएबल डेट चेंजेज इट्स वैल्यू, मीन्स कोई वेरिएबल मीन्स कंट्रोल सिस्टम आप जो भी होती है, देखिए कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं अल्फा की जगह पे, और बीटा बीटा मीन्स ये पैरामीटर डेट चेंजेज द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ बीटा दो तरफ हो सकता है, मान लीजिए अगर फॉरवर्ड पाथ में चेंज हो रही है तो जीएफ लेंगे पैरामीटर, अगर फीडबैक में चेंज हो रही है तो एचएस लेंगे, ये बीटा अलग अलग। मगर अल्फा क्या है कि वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना है, और इसको आप जब डिफरेंशिएट करके निकालेंगे तो क्या होगा कि अगर फॉरवर्ड पाथ में अगर चेंज होकर आ रही है सेंसिटिविटी तो ये फॉर्मूला होती है, और फीडबैक में आती है तो ये होती है। अब सेंसिटिविटी क्या है, हाईली सेंसिटिव इफ इट्स कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इज अफेक्टेड ड्यू टू एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, कि कोई भी इंटरनल हो या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो उसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अगर इफेक्ट हो जाता है तो हाईली सेंसिटिव है। तो गुड कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या होता है कि लेस सेंसिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं अभी क्या दिया हुआ है कि इनसेंसिटिव टू बोथ फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेज, नहीं दोनों में चेंज हो रही है। यहाँ देखिए फॉरवर्ड में भी चेंज हो रही है, फीडबैक में भी चेंज हो रही है, यानी ये तो गलत हो गया। लिख रहा है लेस सेंसिटिव टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेज डेट टू फॉरवर्ड पाथ चेंजेज। देखिए फीडबैक में तो केवल इतना फैक्टर से चेंज हो रहा है, मगर फीडबैक पाथ में क्या हो रहा है उससे ज्यादा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है, तो मोर सेंसिटिव कौन हो जा रहा है फीडबैक वाला, और लेस सेंसिटिव कौन हो रहा है फॉरवर्ड वाला। तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है रॉन्ग है, लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ, क्योंकि लेस हो रहा है फॉरवर्ड पाथ में, एंड चेंजेज डेट फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंज, यानी ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 27 नंबर बोल रहा है, इन ए स्पीड कंट्रोल सिस्टम आउटपुट रेट फीडबैक इज यूज टू, आउटपुट जो फीडबैक जो यूज कर रहे हैं आउटपुट को लिमिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो किस चीज की लिमिट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्पीड का या एक्सेलरेशन का, डैम्पिंग का, गेन मार्जिन का, किस चीज के लिए। तो जो भी हम लोग स्पीड कंट्रोल में यूज करते हैं वो करते हैं स्पीड को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए क्या है कि व्हेन द स्पीड ऑफ दिस मोटर इज टू बी कंट्रोल, ये टैको जनरेटर इज यूज टू डिटेक्ट द स्पीड एंड अटैच द मोटर। क्या होता है कि स्पीड को हम लोग मेजर करने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। द टैको जनरेटर इज मेड ऑफ मैग्नेट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मोटर शाफ्ट एंड ए स्टेटर कॉइल दैट डिटेक्ट्स द मैग्नेटिक पोल एंड जनरेट्स एन एसी वोल्टेज ऑफ 12 साइकिल पर रिवोल्यूशन। फिर दिस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ए राइज ऑफ द रोटेशनल स्पीड, देन रोटेशनल स्पीड ऑफ मोटर कैन बी कंट्रोल बेस्ड ऑन सिग्नल। अगर क्या रोटेशनल स्पीड आपका इंक्रीज कर जाता है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से, तो क्या है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का, ये इसके लिमिट करने के लिए होता है, लिमिट द स्पीड ऑफ मोटर। 28 भी सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा लिमिट द स्पीड ऑफ मोटर। देखिये 29 में, वॉट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इज, यहाँ दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखते हैं 1 GFHF = 0, यानी 1 के टर्म में हमको लाना होगा, यहाँ GFHF पूछ रहा है। अब देखिए तो हमको GFHF फाइंड करना होगा, तो जो भी लिखा हुआ है FQ + 3S²
प्लस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के एफ प्लस टू एफ प्लस फाइव के इजकल टू जीरो हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ क्यू प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस की अगर कॉमन लेते हैं तो एफ प्लस फाइव इजकल टू जीरो। करना क्या होता है कि के को कॉमन लेके जितने बाकी बच जाते हैं वो एक अलग कर लीजिए, और जो भी बच गए हैं के बच लेने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जितना दिया हुआ है अगर इसी से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये वन हो गया, अब प्लस के एफ प्लस प्लस फाइव एस क्यू प्लस थ्री एफ स्क्वायर प्लस टू एफ इजकल टू जीरो। अब देखिए अभी हम क्या बोले थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इतना को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसमें ये वाले टर्म रहते हैं ये वाले किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को यानी GFHF को, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर द सिस्टम गवर्न बाई द सेट ऑफ इक्वेशन द ट्रांसफर फंक्शन वाई एफ एंड यू एफ इज गिवन बाई, दो इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होगा। इसको देखिए देखते हैं कि इसको दो तरफ से बना सकते हैं कि एक सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू ड्रा करके या एक स्टेट स्पेस के थ्रू। हम स्टेट स्पेस के थ्रू बता रहे हैं कि देखिए ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वन डॉट और इसको एक्स टू डॉट, ये वाई है। तो होती क्या है, स्टेट स्पेस में इक्वेशन होती है एक्स डॉट इजकल टू एक्स प्लस बी यू और वाई इजकल टू क्या होता है Vx प्लस du। अब यहां से ये कंपेयरिंग कीजिएगा तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2x1 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू 1 है, इसमें माइनस टू है और x2 का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में नहीं है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप ये 2 कोफिशियंट ले रहे हैं, यहाँ 1 इसका माइनस टू, यहाँ x2 नहीं है तो हम जीरो लिए हैं। उसी तरह u किसके पास है ये, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, B का वैल्यू लीजिएगा तो दोनों जगह यू यू है यानी कोफिशियंट वन हो जाएगा। इसी तरह फी लीजिएगा तो क्या होगा, तो केवल एक्स वन के साथ है, एक्स टू के साथ नहीं है तो जीरो, के साथ नहीं है तो जीरो और डी तो है ही नहीं क्योंकि आउटपुट में कुछ भी नहीं है तो डी यहाँ जीरो है। अब ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, तो ट्रांसफर फंक्शन होती क्या है, सी एफ आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, डी तो नहीं है तो डी से कोई मतलब नहीं और सारे चीज पता है मगर ये पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा एफ आई माइनस ए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, टू इंटू टू का क्या आई लिख सकते हैं आप, वन जीरो जीरो वन ये लिख सकते हैं। अगर यहां से आप एफ आई माइनस ए निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, जब इसमें एफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ एफ होगा, यहाँ एफ होगा और उसमें से ए को माइनस कीजिएगा तो एफ माइनस टू माइनस वन और ए हो जाएगा प्लस में टू और एस, ये इतना हो जाएगा आपका। इसका इनवर्स टू इंटू टू का इनवर्स जब भी निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाले को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं और जो भी ऑफ डायगोनल है उसमें साइन का चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस बाय डिटरमिनेंट लिखते हैं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ का इनवर्स अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले कि ये इंटरचेंज कर देते हैं, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहां से इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, आप डिटरमिनेंट देखिए क्या, एफ स्क्वायर माइनस टू एफ प्लस टू इतना आ जाएगा। इसमें देखिए इधर b मल्टीप्लाई है, इधर c मल्टीप्लाई है, तो मान लीजिए इधर का मल्टीप्लाई करना है आपको b का, तो वन वन वैल्यू था तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b से पहले हम c का मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्योंकि वो इजी पड़ेगा आपको, एक जीरो है तो जीरो वाला, तो मान लीजिए c से मल्टीप्लाई कीजिए, c इंटू एस यहाँ लिख रहे हैं थ्री एफ हो जाएगा और जीरो इंटू टू जीरो रहेगा, फिर थ्री इंटू वन थ्री रहेगा, ये आ जाएगा और जो
डिनोमिनेटर में है वो तो रहेगा ही, और यहाँ से बी आपका भी बचा हुआ है। जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3s + 3 f² - 2f + 2। अब यहां से 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लिए तो f + 1 f² - 2f + 2। अब देखिए यही, इसी को क्या बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। सारे चीज हम निकाल लिए तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है यहाँ से, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका ए दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए हो गया। हम देखिए 31 बोल रहा है, व्हेन ड्राइविंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीनियर एलिमेंट, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी ड्राइविंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीनियर एलिमेंट ओनली इनिशियल कंडीशन एज्यूम टू बी जीरो, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइन एंड रेशियो ऑफ प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन तो जीरो लेते ही है, एंड लोडिंग और इनपुट कैन नॉट एज्यूम टू बी जीरो, लोडिंग या इनपुट को हम लोग जीरो नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैच कराइएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन है, ये दिया हुआ कि एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, ओपन लूप दिया हुआ है, क्लोज लूप फाइंड करना है। तो यूनिटी फीडबैक कहने का मतलब फीडबैक HF = 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं हम लोग तो क्या होगा, GF। अगर इसका लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, GF/1 + GF। HF का वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। अब देखिए क्या है कि जब भी अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तो शॉर्टकट क्या है कि अगर ये ओपन लूप से हमको जाना है क्लोज लूप में, तो देखिए क्या है कि हमको कहाँ जाना है, क्लोज लूप फाइंड करना है, किससे, ओपन लूप से। तो अगर ओपन लूप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, क्लोज लूप दिया हुआ है, क्लोज लूप बनाना है, तो जो भी ये था उसमें न्यूमरेटर में जो भी होता है उसको ऐड कर देते हैं। देखिए वहां यहाँ भी वही किए हैं कि जो भी GS था तो GF को क्या करिए हम, GF है और 1 + जो भी रहता है उस न्यूमरेटर में उसको केवल ऐड कर देते हैं। अगर उसी तरह क्या है, ओपन लूप फाइंड करना है, क्लोज लूप दिया है, तो मान लीजिए ये दिया रहेगा और इसको फाइंड करना रहेगा, तो क्या करते हैं कि ये दिया है तो जो भी दिया रहता है, जो भी ऊपर में न्यूमरेटर में रहता है उसको माइनस कर देते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, GF/1 यानी ओपन लूप आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है कि अगर डायरेक्ट दिया है ना, तो क्या है कि इसको आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, हाँ GF का वैल्यू लिखिएगा, 1 + GF लिखिएगा, फिर उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप शॉर्टकट अपनाइए। तो यहाँ पे आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जो दिया हुआ है उसका क्या बन जाएगा, 1/f + 2 का होल स्क्वायर। और बोले थे कि जो भी ऊपर में न्यूमरेटर में रहेगा उसको ऐड कर देते हैं क्लोज लूप बनाने के लिए। क्लोज लूप का हो गया, इसको अगर और एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, x² + 4f + 5 ये आ जाएगा। अब इसका क्या रूट पूछ रहा है, पोल पूछ रहा है, यानी पोल मान लीजिए ये किस तरह का इक्वेशन बन गया है, x² + bx + c = 0। अब इसका मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या जानते हैं रूट निकालने के लिए, कि -b + -√b² - 4ac/2a। अगर इसका ये वैल्यू है तो b का वैल्यू कितना है, -4 + -√4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 16, और ये -20 हो जाएगा / 2। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो -2 + -, और यहाँ बच रहा है -4 को कितना लिख सकते हैं, 2j, क्योंकि रूट में माइनस रहती है तो j -√1 का वैल्यू होता है j² या इसको i² भी बोलते हैं / 2। अब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, -2 + -j, यानी ऑप्शन नंबर कौन यहाँ से मैच कर रहा है, देखिए यानी ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। देखिए 23 बोल रहा है, ए ट्रांसफर फंक्शन हैज इट्स जीरो इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन,
द फंक्शन इज, देखिए कोई भी ट्रांसफर फंक्शन बोल रहा है, ये लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन बोलते हैं, लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन, इसको बोलते हैं राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, ये जीरो है। तो बोल रहा है कि अगर इधर कोई भी जीरो आ जाए, जीरो आ जाए तो क्या होता है, तो राइट में अगर जीरो आने पे क्या हो जाता है, वो सिस्टम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहलाता है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो राइट में जीरो आने से नॉन मिनिमम यानी ऑप्शन डी हो गया। देखिए 23, 24 एंड 25 दोनों सिमिलर टाइप का है, तो इसका पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन क्या होगी। तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट बाय इनपुट लैपलास का जो भी ले लेते हैं, तो आउटपुट बी आउटपुट एंड बी इनपुट, यही आरसी सर्किट बोल रहा था। तो ये आरसी सर्किट है, लो पास फिल्टर बोल रहा था, तो हम बताएंगे लो पास कैसे है, पहले देख लेते हैं इसको। तो आउटपुट निकालिएगा, तो मान लीजिए इनपुट ए है, लैपलास ट्रांसफॉर्म का हम लोग लेते हैं, तो लैपलास में कीजिएगा तो आर का आर मगर फी का क्या हो जाता है, 1/fv। अब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइएगा कि यहाँ कितनी आउटपुट वोल्टेज हो रही है, तो वोल्टेज हो रही है, तो वोल्टेज आउटपुट में क्या, कि जो भी फोर्स वोल्टेज रहती है इनटू फेम फील्ड का रेजिस्टेंस यानी ये रिएक्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस 1/fv, ये हो जाएगा। ये केवल आउटपुट का वैल्यू है भाई वी इनपुट, तो यहाँ से भी इनपुट आपका कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/fv आर प्लस 1/fv। जब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आर एफ प्लस 1, और इसको एफ सी दोनों कट जाएगा ये और है, तो आपका क्या बच जाएगा 1+rcf, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 34 का बी होगा एंड 35 में सी होगा। और देखिए ये क्या है, आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में टाइम है, टाइम कांस्टेंट क्या होती है, आर और सी का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको और क्या लिख सकते हैं 1+1τf, ये लिख सकते हैं। अब देखिए लो पास फिल्टर कैसे है, तो देखिए अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपका बहुत कम रहा, जीरो रहा, अगर जीरो फ्रीक्वेंसी रखते हैं हम, एफ इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो क्या होगी, ये बहुत ज्यादा इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर इन्फिनिटिव रिएक्टेंस हो गया मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो इधर चला जाएगा, यानी क्या है कि जीरो फ्रीक्वेंसी पर मेरे को वैल्यू मिल रहा है, आउटपुट में वैल्यू मिल रहा है, मगर क्या है कि फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है, बहुत हाई है, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो ये इन्फिनिटी भी अगर यहाँ करते हैं तो ये क्या ओवरऑल जीरो हो जाएगी। अगर रिएक्टेंस जीरो होने से क्या होगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फारे के फारे इधर कुछ भी नहीं जाएंगे, इधर से ही आ जाएंगे, यानी क्या होगा, इन्फिनिटी पर कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि लो वैल्यू को केवल पास करा रहा है, अगर लो वैल्यू को केवल पास करने देता है उसी को बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो आज का वीडियो में इतना ही, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।